और रुक करेंगे खबरों की ओर। रेवाड़ी में किसान नेता योगेंद्र यादव से अग्निपथ योजना को लेकर खास बातचीत की। संवाददाता नवीन शर्मा ने किसान नेता योगेंद्र यादव से ने कहा कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना युवाओं के हित में नहीं है। केंद्र सरकार को युवाओं की मांग पूरी करते हुए अग्निपथ योजना जल्द से जल्द वापस लेनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है योगेंद्र यादव जो स्वराज इंडिया अभियान से है और किसान नेता भी है। इनसे जानेंगे जो भर्ती योजना जो अभी अग्निपथ निकाली है सरकार ने किस तरह क्या कुछ है उनसे। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले क्लियर शब्दों में भाजपा सिर्फ उसकी कमियां नहीं उसको ऊपर दिखा रही है कि अग्निपथ जो भर्ती योजना निकाली है वो परफेक्ट है। किस तरीके से आप समझाएंगे क्या कुछ है? पहली बात समझें कि अग्निपथ भर्ती योजना है क्या। नंबर एक, भारतीय सेना में हर साल जो डायरेक्ट परमानेंट भर्ती होती थी वो बंद कर दी गई है। ये अग्निपथ जो है आज की भर्ती के ऊपर कोई होने वाली भर्ती नहीं है। सारी दुनिया ऐसे चर्चा कर रही है कि भाई 45,000 और नौकरी आ गई क्या बुराई है। ना ना, ये हर साल जो 60,000 से 80,000 पक्की भर्ती होती थी 15 साल की 20 साल की उसको बंद कर दिया गया है और उसके बदले में 45,000 कच्ची नौकरी आ रही है। ये बात देश को समझ नहीं आई। नंबर दो, ये वो योजना है जिससे देश की आर्मी की संख्या आधी हो जाएगी। अब हर साल होता है 60,000 से 80,000 भर्ती होती है। अब इस नई योजना में क्या होगा, 4 साल तक 50,000 भर्ती करेंगे, फिर उसके बाद 4 साल पूरे होने के बाद 50,000 का 1/4 मतलब 12,000 साढ़े 12,000 लोगों को परमानेंट भर्ती करेंगे। आज की 60,000 से 80,000 की बजाय सिर्फ 12,500 भर्ती होगी। तीसरी बात, आज मिलता है सैनिक को रैंक और पेंशन, अब ये नो रैंक नो पेंशन की योजना है। 4 साल की नौकरी, उसके बाद अगर आपका नंबर नहीं आया तो भाई हाथ जड़ा, आपको ना ग्रेजुटी ना पेंशन, घर जाओ वापस करो, अब अपना जो कुछ देखना है देखो। चौथी बात, इसमें ऑल क्लास ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट हुआ करेगा। अब तक क्या था, हर क्षेत्र और समुदाय के हिसाब से रिक्रूटमेंट होता था। हम अहिरवाल में खड़े हैं, यहाँ पे अहिरवाल के नाम से या अहिरों के नाम से कोई रेजिमेंट नहीं है, लेकिन चाहे कुमाऊं रेजिमेंट हो चाहे ग्रेनेडियर रेजिमेंट हो, ग्रेनेडियर का था या फिर जाट रेजिमेंट, इन सब में इस इलाके के लोगों के लिए कोटा था। अब वो सारा कोटा खत्म कर दिया गया है। ये जो चार चीज़ें हैं मिला के ये देश की सुरक्षा पे सबसे बड़ा आघात है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और इस इलाके के साथ तो विश्वासघात है। अग्निपथ योजना लाने से पहले कुछ युवा ऐसे हैं जिनकी सिर्फ लेटर आना बाकी था, बाकी उनके सब कुछ जो फिजिकल थी वो सब कुछ क्लियर हो गई, टेस्ट क्लियर हो गए, सिर्फ उनकी भर्ती बाकी थी। सबसे भारी अन्याय तो उन्हीं के साथ हुआ है कि आर्मी में फिजिकल हो गया मेडिकल हो गया, अब टेस्ट बाकी था। 2021 मार्च में टेस्ट होना था, टरकाते टरकाते टरकाते, और वो बेचारे कोचिंग कर रहे हैं, जितना पैसा 4 साल में मिलेगा उतना तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को दे चुके हैं। अब उनको बताया जाता है कि तो भर्ती होगी नहीं, और सबसे बुरी तो बेचारे एयरफोर्स वालों के साथ हुई। टेस्ट हो गया, इंटरव्यू हो गया, मेरिट लिस्ट आ गई, अब इंतजार कर रहे हैं कि बस अब अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। 5,000 से ज़्यादा बच्चों के साथ ये हुआ, और अब उनको पता लगता है कि जिस नौकरी के लिए उन्होंने सब कुछ किया वो नौकरी खत्म हो गई। अब पक्की नौकरी नहीं, अब उनको दोबारा नए सिरे से लाइन में लगना होगा कच्ची नौकरी के लिए। कौन सा न्याय है? इसके लिए प्रशांत भूषण जो कि सुप्रीम कोर्ट इसको लड़ेंगे, और जिस भी विद्यार्थी के साथ ऐसा हुआ है उन सबके मामलों को लेके हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। योगेंद्र यादव उन युवाओं से क्या अपील करें, क्या संदेश देंगे उन्हें? पहला संदेश तो ये है कि भाई ऐसा मत सोचो कि आप अकेले हो। जब किसान की लड़ाई थी जवान कंधे से कंधा जोड़ के खड़ा था, आज जवान की लड़ाई है किसान आपके साथ है। सरकार आपको धमका रही है, किसान आंदोलन आपके लिए छतरी का काम करेगा। संघर्ष आपका है, आपको लड़ना है, लेकिन छतरी देना हमारा काम है, हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे। अपील एक ही है कि जो हो शांतिपूर्ण तरीके से। आपने किसान आंदोलन को देखा, किसान आंदोलन पत्थरबाजी करके नहीं जीता, देश की संपत्ति को तोड़ के नहीं जीता है, शांति से टिक के बैठे उसी तरीके से जीता जाता है। लोकतंत्र है,
सड़क पे बैठेंगे, सरकार अग्निपथ कहती है, धूप के नीचे अग्निपथ के ऊपर बैठेंगे, वो संघर्ष कीजिए। हिंसा से, तोड़फोड़ से संघर्ष नहीं जीते जाते, अहिंसा और शांति से हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो आपने अभी सुना योगेंद्र यादव को, जिन्होंने कहा कि शांति से और अग्निपथ अगर नाम दिया है तो अग्नि के नीचे तपती धूप में बैठकर ये प्रदर्शन करेंगे। साधना न्यूज़ के लिए रेवाड़ी से नवीन शर्मा।